दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच का पहला दिन, तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिलाई भारत को शानदार शुरुआत। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच आज खेला गया। इस मैच में बारिश के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने श्रीलंका की टीम का गेंदबाजी विभाग खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम के लिए बारिश के बाद रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर मैदान पर टहलका मचाया, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ में दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है बेहतरीन सलामी बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 और वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मैच आज खेला गया। इस मैच में कोलंबो के मैदान पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि इस बीच मैदान पर बारिश आ गई, जिसके चलते मैच की पहली गेंद फेंकने से पहले ही उसे रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही मैच दोबारा से प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग करने का कार्य किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों ने अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। जहां पर रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए असित फर्नांडो के सामने बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप के बगल से शानदार चौका लगाया और अपना खाता शाही अंदाज में खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने इसी ओवर के अंदर 2 रन लेकर अपना खाता खोला और पारी की शुरुआत की। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से आगे भी बल्लेबाजी जारी करी, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज वेंडर से आए, जिनके सामने रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतर चौके लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया और बता दिया कि वह आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने 8 ओवर के अंदर स्क्वायर लेकर बगल से शानदार चौका लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल की और भारतीय टीम को मजबूत स्कोर की तरफ ले जाने का कार्य किया। इस बीच 10 ओवर के अंदर भारतीय टीम ने मात्र 25 रन बनाए, ऐसे में इन दोनों ने टीम को आगे ले जाते हुए तेजी से रन बनाने प्रारंभ कर दिए, जहां पर रोहित शर्मा ने अपना पसंदीदा पुल शॉट लगाते हुए 14 ओवर में गेंदबाज मथिसा पथिरणा को लंबा छक्का लगा दिया। तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य कर दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र के समापन तब टीम को मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य कर दिया और इसी के साथ अब 28 ओवर के समापन तक भारतीय टीम ने पहले सत्र में 90 रन बिना विकेट खोकर बना दिया। हालांकि दूसरा सत्र जब प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जहां पर उन्होंने वाणिंदु हसरंगा के सामने कदमों का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर लंबा छक्का लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दूसरी तरफ से भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वेंडरसे के सामने 34 ओवर में सामने की तरफ 2 बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट लगा दिए, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ अपना अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपना शतक लगाने का कार्य भी कर दिया, जहां पर रोहित शर्मा ने 45 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए असित फर्नांडो के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाते हुए इस ओवर में 14 रन बटोरे और तेजी से रन बनाने का सिलसिला जारी कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन तरीके से एक ही ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 चौके लगा दिए और गेंदबाज मधुशंका को दिन में तारे दिखा दिए और इसी के साथ इस सत्र के अंतिम ओवर में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी करने के लिए आए फर्नांडो के सामने 1-1 छक्का लगाने के साथ अपना शतक पूरा कर लिया और इसी के साथ भारतीय टीम को दूसरे सत्र में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जहां पर इस सत्र में 115 रन भारतीय टीम ने बना दिए थे।
जिसके चलते 205 रन पेप्टिव ओवर के अंदर बने और उसके बाद अंतिम सत्र में भी दोनों का अब तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर अंतिम सत्र के अंदर 28 ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगा दिए, तो दूसरी तरफ से अब यशस्वी जायसवाल ने भी इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंद पर 2 छक्के लगे। हालांकि अब यह दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से क्रीज पर सेट हो चुके थे, ऐसे में इनको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, जहां पर अब यह दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाते हुए मात्र 68 ओवर के अंदर अपना 150 रन का आंकड़ा पार किया, तो दूसरी तरफ से 72 ओवर में अपना 150 रन का आंकड़ा यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया और दोनों ने पहले दिन अंत तक नाबाद पारी खेली, जहां पर 145 रन 25 ओवर में बनाए, जिसके चलते पहले दिन के समापन तक 80 ओवर में भारत ने 350 रन बिना विकेट होकर बनाए। इस बीच यशस्वी जायसवाल 165 और रोहित शर्मा 178 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश दिखाई दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत मिलेगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।